लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और गाइस बढ़िया रहना है मेरा काम, आप भी करो आराम। तो गाइस गर्मियों की दोपहर में करो आराम, मेरा रहना है बढ़िया काम। तो बढ़िया आप भी रहे, बढ़िया मैं भी रहूँ। तो हे गाइस कैसे सारे लोग, आज का व्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग। और गाइस लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट आवर अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी में और गाड़ी की डिग्गी में। तो गाड़ी भाई मतलब क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपको बैकग्राउंड दिखाने के लिए मैं बाहर नहीं उतर पा रहा हूँ। मतलब बताओ, बंद गाड़ी में ठंडा लग रहा है मेरे को अब, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, समझ ही सकते होगे क्या हाल चल रहा है। आपको गाड़ी की डिग्गी दिखाता हूँ आपको, आप बाहर का मौसम। तो भाई ये देखो, ये मौसम हो रहा है 3 बजे का, 3 बजे का ये मौसम है। एकदम धूप तो मतलब थोड़ी बहुत ही कम लग रही है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब गुस्सा आ रही बहुत ज़्यादा। तो गाइस वो आस्ते का सामान जाना था, तो वो लोग आए हैं। तो आस्ते का सामान जब जाएगा तो वो लोग बाय रोड भेजते हैं। तो PMR करके कंपनी है, वो आ रही है, सामान अच्छे से पैक करके ले जा रहे हैं वो लोग। आपको दिखाऊँगा मैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो भाई देखते कितने दिन लगते हैं पहुँचने में। तो चलो देखते कितनी देर में आ रहे हैं, बस आ ही रहे हैं, थोड़ी देर 5-10 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, उस दिन का तो पूरा दिन चला गया क्योंकि मैं सो गया था। जब मैं सो के उठा था तो मम्मी लोग घर में आई थी, और जब घर में आई थी तो बाबा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मम्मी लोग को जाना गाँव देखने गई थी। उसके बाद आज है नेक्स्ट डे, और आज के भाई मौसम देखो। सुबह देखिए वहाँ तो गए हैं, फुल अपने बॉक्स लेके आते हैं सब, और अपने बॉक्स में ये डाल के ले जाते हैं सामान, और पूरी गारंटी भी रहती है कि हाँ मस्त सामान पहुँचाएंगे। लेकिन आस्ते के सामान भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लोग गारंटी। सुबह सुबह उठे हैं ना तो नींद जैसी आएगा इस, तो ये लोग गारंटी पूरी ले कर रखते हैं कि हमारा सामान कुछ नहीं होगा। एक ही ऊपर फ्रंट रेंट लिख देते हैं कौन सामान कहाँ मतलब क्या है, फ्रंट का क्या है। अब देखो भाई ये बाहर निकल रहा है। अंकल ये सामान कितने दिन में पहुँच जाएगा? ठीक है, 10 से 12 दिन में सामान पहुँच जाएगा। और अंकल आपकी कंपनी का नाम क्या है? PMR कंपनी का नाम है PMR। फिर जी देखिए क्या मौसम हो रहा है। अभी मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल देखिए मेरी खड़ी एकदम ब्लू कलर की। अब मौसम ऐसा हो रहा है, कुछ हल्की सी धूप है, हल्की सी एकदम, बस बादलों में धूप लग रही है। बाकी तो आज का मौसम ठंडा है और हवा भी चल रही, शायद से बारिश होगी। बारिश हो जाए तो एक बार तो मज़ा आ जाए भाई सही में। गाइस मम्मी सफाई करेंगी, ये देखिए बाहर मम्मी सफाई करने लगी हैं। और अपनी साइकिल को मैं काम करता हूँ थोड़ी, अब बहुत चला ली मैंने तो अब अंदर ही खड़ी कर देता हूँ। चलो फिर अंदर खड़ी करते हैं अपनी साइकिल, बैठे साइकिल में। मम्मा रुको, थोड़ी सी एक बार थोड़ी सी चला लेता हूँ। तो भाई साइकिल चलने में लगी हुई है, हम बैठे हुए हैं और जाने क्या क्या हुआ जा रहा है। देखो काऊ भी आ गई हैं, तो अब सीधा अंदर लेके चलते हैं साइकिल। अंदर वाला की साइकिल खिला दी आपने काऊ को रोटी। गाइस ये देखिए कृष्णा साइकिल चला रहा है, क्योंकि आज कृष्णा पार्क गया नहीं तो आज साइकिल यहीं पे चला रहा है। कृष्णा आ जाओ इधर। आज का मौसम गाइस कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है आज। आज पता है एकदम भी गर्मी नहीं है, आज तो बहुत अच्छा है। हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी। चला लो और चला लो। हे गाइस तो कैसा सभी लोग,
आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और गाइज आपको एक बात बतानी थी कि अभी मैं थोड़े से पहले जो शाम हुई थी, अभी तो भाई रात हो रही है, अभी बज रहे 10:25। तो गाइज बाबा जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मम्मी उनको देखने गई थी। तो अब तो मम्मी लोग डेली डेली क्या चली जाती हैं, देख आती हैं। तो कभी दिन भर, अभी तो 2 दिन गई हैं और 3 दिन, शायद 3 दिन ना, 3 दिन पूरा दिन भर वही रही हैं और शाम को आ जाती हैं 10-10 बजे तक। तो गाइस मैं शोर के साथ खेला था कैरम थोड़ी देर पहले, तो मैं खेला था करीब 6 बजे के आसपास। कैरम में जीता, वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है वो कैरम का। तो इस खेलने में काफ़ी मज़ा आई, जीत तो हो गया, लेकिन भाई मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आती है खेलने में कैरम अगर मन से खेलो ना, इतना मज़े आती है खेलने में। तो कहते आपको मैं सुबह उसका फेस भी दिखाऊँगा और आज रात को दिखाऊँगा मैं क्या क्या करता हूँ रात भर। तो ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी रात शुरू हो गई है और मैं बाहर आया हूँ, साइकिल थोड़ी सी चलाई है मैंने अभी, तो साइकिल चलाने के बाद मैं आ गया हूँ अंदर, और अंदर मैं जा रहा हूँ अंदर। वाह ये क्या था, अंदर से मैं जा रहा हूँ अंदर, वाह अंदर से गाइस मैं जा रहा हूँ अंदर। तो उसका नाम निकनेम है रोहन, घर का नाम है, बाहर का नाम है शौर्य, सबको दिखाऊंगा। तो गाइस मेरे दोस्त का फेस रिवील करवा दूंगा, शायद आप जानते हो कौन है, सुबह फेस रिवील हो जाएगा भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं, फेस रिवील हो जाएगा। और मौसम भाई गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सही हुआ है मौसम, आंधी आ गई थी तो थोड़ा थोड़ा मौसम सही हो गया है सुबह से, क्योंकि धूप ही निकली थी और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी ना। फिर अभी थोड़ा 4 करीब जब हम लोग कैरम खेले थे उस टाइम आई थी बहुत तेज आंधी, तो सब सही हो गया वापस। फिलहाल मम्मी पापा लोग भी आ गए हैं और अंदर अभी बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। मम्मी मामा हम लोग एसी चला दे जाके, बहुत गर्मी पड़ रही है। खाना खा लो, चला दो। खाना मैं खा चुका हूँ, तो जाओ ऊपर जाओ, एसी चला देता हूँ ना। ठंडे पानी की बॉटल तो ले आए हैं, रात में किसी को प्यास लगे तो उसके काम आएगी। और अभी फ़िलहाल मैं एसी चला देता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लो भाई एसी भी स्टार्ट हो गई है, बस इसका रिमोट कहाँ गया है। अरे भाई रिमोट गायब हो गया एसी का, चलो भाई ये पड़ा है, अब एसी को कर देता हूँ मैं। चलो भाई एसी अपनी ऑन हो चुकी है, 24 में लगी है, 17 ला गई, तुरंत ठंडा करना है मेरे को, तो तुरंत अपने आप को 17 लगाएंगे, इस फैन स्पीड कर देंगे 5 में, और इसको भाई ये टर्बो में लगा देंगे। भाई टर्बो भी ऑन हो चुका है, अपना काम फ़िलहाल हो चुका है एसी स्टार्ट करने का। सब थोड़ा सा पी लेता हूँ पानी, बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लग रही है और गर्मी भी हो रही है, तो इस वजह से पानी तो पीना ज़रूरी है भाई। गाइस अब मैं रात में सोने से पहले थोड़ी देर अपनी स्टोरी बुक पढ़ता हूँ अली, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ी भी है, तो ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है। क्या है स्टोरी में, इसमें क्या, किस चीज़ के बारे में? इसमें एक है बच्चा ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर है ना, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा, पहले ही चैप्टर पढ़ा, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो खाना मांगता है, उसके बाद फिर से मांगता है, सूप भी देते हो खाने के लिए, पीने के लिए सॉरी। दीदी सोने के लिए तैयार हो रही है, और मम्मी पापा भी आ गए यहाँ पर सोने के लिए, है ना मम्मी? मम्मी आप सो जाओगी क्या जाके? मम्मी जमीन में सोती हैं, मैं मम्मी को इतना कहता हूँ मम्मी ऊपर सोया करो, लेकिन मानती ही नहीं है। पापा जी आप आज ऊपर लेट जाइए। तो गाइस देखिए तब से क्यूब सॉल्व भी पड़ा है, मैं कभी इसको बिगाड़ता नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद सॉल्व हुआ है। आज फिर कर रहा हूँ, किसी को क्या पता कि तुम कौन हो। तो गाइस ये है मेरा दोस्त जिसका नाम है सौरभ नाम है, शौर्य, और इसके छोटे भाई का नाम क्या है, आयुष्मान, वो सो रहा है, आयुष्मान अभी सो रहा है, और अभी हम लोग आए, हाँ जब जगह उसको भी दिखा देंगे।
तो ये आज हम लोग पार गए थे, काफी 3-4 दिन से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बाबा जी की तबीयत खराब थी। आज बाबा जी दिखा देना मम्मी, ठीक है? बाबा की तबीयत कैसी है? तो मम्मी सफाई करनी है, ठीक है? तब से मिलते हैं अगले ब्लॉग में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, 2 दिन बाद ब्लॉग डाल रहा है तो भाई देखना तो बनता है यार। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। लाइक सब्सक्राइब बाय कर देना, ठीक है? बाय गाइस।